गुड मॉर्निंग टू क्लास. ओपन योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश पेज नंबर 26. टुडे वी आर रीडिंग यूनिट नंबर 5. व्हाट्स इट मेड ऑफ. ये क्या बना दिया है. यूनिट नंबर 5, लेसन नंबर 1. लिसन एंड स्पीक. सुने और बोलें. रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन. कहानी को पढ़ें और सवाल का जवाब दें. व्हाट स्टोरी डस अली वांट. अली क्या कहानी चाहता है. अली, मम्मी कैन यू रीड अस अ बेड टाइम स्टोरी. अली, अम्मी क्या आप हमारे लिए सोते वक़्त की कहानी पढ़ सकती हैं. मम्मी, ऑफ कोर्स. What kind of story would you like? बिल्कुल, किस किस्म की कहानी आप पसंद करोगे. अली, कैन यू टेल अस अ फेरी स्टोरी tonight, please? अली, बराए मेहरबानी क्या आप आज हमें एक परी की कहानी सुना सकती हैं. मम्मी, दैट्स अ गुड आइडिया. द थ्री बियर्स सिंड्रेला. ये अच्छा ख्याल है. तीन रीछों वाली सिंड्रेला वाली. अली, नो थैंक्स. व्हाट्स दैट स्टोरी अबाउट द एल्व्स. अली, नहीं शुक्रिया. बोनों वाली कहानी के बारे में क्या ख्याल है. फिज़ा, व्हाट आर एल्व्स. बोने क्या होते हैं. मम्मी, दे आर लिटल मैजिक पीपल लाइक फेरीज. अम्मी, वो छोटे जादुई लोग होते हैं जैसे परियां. अली, इजंट देयर अ स्टोरी अबाउट सम एल्व्स एंड अ हेड मेकर. क्या ये कहानी कुछ बोनों और एक टोपी बनाने वाले की नहीं है. मम्मी, वेल ही डजंट मेक हैड्स. ही मेक्स शूज. ठीक है, वो टोपियाँ नहीं बनाता, वो जूते बनाता है. आर यू थिंकिंग अबाउट द टेल ऑफ द शूमेकर एंड द एल्व्स. क्या तुम जूते बनाने वाले और बोनों की कहानी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो. अली, दैट्स राइट. बिल्कुल ठीक. टेल अस दैट वन. उसके बारे में बता दें. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड डिफिकल्ट वर्ड्स. रीड ऑफ कोर्स. टुनाइट फेरी. काइंड एल्व्स फेरीज. टेल द शूमेकर. Now these words write on your notebook of English. I hope you understand this reading. Have a nice day.